हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहते हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ क्लिच असेंबल के ऊपर। क्लिच असेंबली क्या होती है, जो कि क्लिक प्लेट, स्टील प्लेट, हब जेंटर पूरा खत्ता हुआ होता है, उसको हम क्लिच असेंबली बोलते हैं। कंपनी ने ये भी निकालना शुरू कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है मैकेनिक को भी फिटिंग करने में और कस्टमर को अलग अलग खरीदने में भी। तो कभी क्लिक प्लेट नहीं मिलती, कभी स्टील प्लेट नहीं मिलती, उसको दिक्कत होती है। तो अब कंपनी ने क्लिच असेंबली भी निकाल दी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डिस्कवर 100 इंच की क्लिच असेंबल के ऊपर, जो कि मेरे पास अभी एम के कंपनी की, एम के लाइट की और बजाज की जेनुअन भी है। कितनी की है, क्या है, क्या पार्ट नंबर है और उनकी जो अनबॉक्सिंग है वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ में आप क्लिक प्लेट के बारे में भी जानना चाहते हो तो क्लिक प्लेट के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर लेना कि वो डिस्कवर 14 की क्लिक प्लेट और कौन कौन सी गाड़ी में लग जाती है। तो वो मैंने वीडियो बना दी है, तो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर लेना। और इनके बारे में आज हम बात करेंगे असेंबल के ऊपर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दो, साथ में घंटी दबा देना और जो ऑल आता है ना लिखा हुआ उसको भी क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप मिस नहीं कर सको। तो बिना कुछ देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी क्लिच असेंबली बजाज डिस्कवर 14 की एम के लाइट और बजाज की जेनुइन है। सबसे पहले मैं एम के लाइट की अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसकी कैसे निकलती है और इसका पार्ट नंबर क्या है, क्या प्राइस है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो कुछ इस टाइप की एम के लाइट में क्लिच असेंबली निकलती है। एम के लाइट लीडर इन फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी, एम के बी ग्रुप सिंस 1959, ये डला हुए आते हैं। बाकी की चीज़ें जल्दी से अनपैकिंग करता हूँ। तो कुछ इस टाइप की क्लिच असेंबली होती है ये डिस्कवर 14 की, जो कि हर बोल्ट पे कलर का मार्क लगा हुआ है। ये चीज व्हील क्लिच प्लेट है एंड इधर लिखा हुआ है एम के लाइट H2102D, नंबर डले हुए आते हैं, एम के लाइट लिखी हुई आती है। इधर भी इसका मोनोग्राम और एम के लाइट लिखा हुआ है, कलर का स्पॉट है। और 5 क्लिच प्लेट स्टील प्लेट है इसमें, 1, 2, 3 स्टील प्लेट है, सॉरी 4 स्टील प्लेट है इसमें, 1, 2, 3, 4 4 स्टील प्लेट है, 5 क्लिच प्लेट है। और इधर की साइड देखें तो इधर भी इस पर नंबर डाला हुआ है और इधर एम के लाइट डाला हुआ है। ये इसकी क्लिच सेंटर है और ये इसका क्लिच हब है। तो दोनों पे एम के लाइट लिखी हुई आती है और इधर कलर का स्पॉट लगा हुआ था। बजाज की भी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ कि बजाज की कैसी दिखती है। ये है हमारी बजाज डिस्कवर 14 की क्लिच असेंबली, जो कि जेन्युइन है। तो इस चीज़ की क्लिच व्हील है जो ओरिजिनल नट है इसके, और इधर बजाज लिखी हुई आती है इसके क्लिच हब पे, बजाज दिख रही है आपको। और इधर नंबर डले हुए आते हैं JVC2 जो नंबर है कुछ, इधर ये बने हुए आते हैं। और इधर की साइड देखे जी क्लिच सेंटर है, इस पर भी बजाज लिखी आती है, कुछ नंबर है और इधर भी नंबर है, बाकी का ये कलर का स्पॉट आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस टाइप की होती है क्लिच असेंबली बजाज की जेनुअन। और जो क्लिच प्लेट होती है ओरिजिनल बजाज की क्लिच असेंबली में, उस पर भी ये कलर के स्पॉट लगे आते हैं। इसमें भी 5 क्लिच प्लेट आती है, 1, 2, 3, 4, 5 4 स्टील प्लेट होती है इसमें। तो कुछ इस टाइप की होती है बजाज की जेनुअन क्लिच असेंबली ओरिजिनल। अब इनके पार्ट नंबर और MRP की बात कर लेते हैं। तो बजाज का जो जेनुअन का पार्ट नंबर है जिसका बस सी का, वो है JV551404 JV551404, इसका पार्ट नंबर है। 879 इसकी MRP है, 879 11/2021 की पैकिंग डेट है जी, यानी कि नवंबर 2021 की पैकिंग डेट है। क्लिक प्लेट असेंबली लिखी हुई है। और इसकी एम के लाइट की बात कर लेते हैं, एम के लाइट पे भी लिखी आई है 170201 इसका पार्ट नंबर है, फॉर इनर असेंबली बजाज डिस्कवर 14 क्वांटिटी 1/1 एंड मंथ ऑफ पैकिंग July 2021 MRP एच की ₹672,97,29 की MRP एम की लाइट, बाकी का एड्रेस लिखा हुआ आता है 170201 IT बजाज डिस्कवर 14। तो जी दोनों की क्लिच असेंबली हो गई, जी एम की हो गई, ये बजाज की जेन्युइन क्लिच असेंबली होगी। अब आपको ये कितने की मिलेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या डिस्काउंट है पे। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको दिखा तो दिया क्लिच असेंबली के बारे में, एम के की भी और बजाज की जेनुइन क्या पार्ट नंबर है, कितने की MRP। अब इनकी बात कर लेते हैं कि आपको कितने में मिलेगी।
एमके की सबसे पहले बात कर ले तो एमके की जो रेट है वो है 729 रेट है। इस पे भी नॉर्मल आप रिटेल में लेने आओगे तो 10-15% डिस्काउंट आपको इजीली आराम से मिल जाएगा। अगर आप बड़ी सिटी में तो आपको 20% तक भी डिस्काउंट इस पे आराम से मिल जाएगा। और किसी अगर अपने शहर में आप किसी बड़े दुकानदार से लेते हो तो 20% तक आपको आराम से मिल भी सकता है, 15-20% आपको आराम से मिल जाएगा। नो डाउट 729 पे आप लगभग 10% काटोगे तो 650 रुपये के करीब, तो 600 रुपये में भी वो आपको आराम से ये क्लिच असेंबली दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं बजाज की जेनुइन, इसकी जेनुइन की जो रेट है वो है 879, इसकी रेट है MRP। तो इस पे हम जो डिस्काउंट मार ले वो मार ले 10% डिस्काउंट है। कोई भी जेनुइन प्रोडक्ट हो चाहे बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उस पर तो 10% डिस्काउंट तो कोई भी रिटेल में आराम से दे देता है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे 100 रुपये या 150 रुपये तक की कोई चीज़ होती है, 200-250 रुपये तक की, तो उनमें दुकानदार ज़्यादा डिस्काउंट नहीं खाता, इसलिए वो रेट टू रेट पे देता है। तो हर चीज़ पे जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट ही मिले जेनुइन पे। कोई जेनुइन जैसे कि कोई चीज़ होती है जेनुइन, जैसे लीवर हो गए, ब्रेक लीवर हो गए, तो उसमें है ना वो आपको जेनुइन रेट पे ही देगा। अगर 70 रुपये किसी चीज़ की MRP जेनुइन प्रोडक्ट की, वो 70 रुपये में ही देगा 70 रुपये, वो 60 रुपये नहीं देगा, क्योंकि उसको 70 रुपये में जो उसको केवल 2 रुपये ही मिलेंगे, 11 रुपये उसका मार्जिन नहीं है प्रॉफिट जेनुइन में। इसलिए हर प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट है, हर एक प्रोडक्ट पे मतलब डिस्काउंट नहीं मिल सकता जेनुइन पे। जैसे कि जिकले सचैम्बल है, इसकी रेट थोड़ी हाई है, तो उस पर 10% डिस्काउंट आपको आराम से मिल सकता है। 10 से ज़्यादा कोई दे दे जो दे भी सकता है, लेकिन सिटी वाइज सिटी डिपेंड करता है। नॉर्मल शहरों तो 10 से ज़्यादा आपको कोई नहीं देगा। 879 है तो 10% डिस्काउंट काफी लगभग आपको 800 रुपये के करीब आपको ये मिल जाएगा। तो यार काफ़ी सस्ती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 600 रुपये की जगह अगर आप 200 रुपये और मिला दोगे तो 800 रुपये में आपको पूरी जेनुइन क्लिच असेंबली तो मिल जाएगी। कहाँ जे एम के लड़की, कहाँ जे और भी कई कंपनी की आती होगी इसमें क्लिच असेंबली, मैंने अभी तक तो देखी नहीं। अगर आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को नहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपको पता है ना क्या करना है हर वीडियो में, मैं कहता हूँ प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो कैसी लगी वीडियो। और किसी भी पार्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पे भी बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास कोई प्रोडक्ट आता है, अगर आप कमेंट करते हो, अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट होता है तो मैं फिर वीडियो जरूर बनाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कमेंट में आया था कि भाई डिस्कवर 100cc की क्लिक प्लेट और क्लिच असेंबली के बारे में वीडियो बना दो कि उनकी क्या कॉस्ट है, तो मैंने उन पर दोनों पर वीडियो बना दी थी। क्लिच असेंबली क्लिक प्लेट पर मैंने ऑलरेडी बना दी, तो आप चेक कर लेना। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट कर दिया करो कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा बनाने की। तो फिलहाल इस वीडियो को नहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।